हेलो फ्रेंड्स, आज हम डोरमेट बनाना आपको बताएंगे। आइए देखिए हम कैसे बनाते हैं आपको बताएंगे। तो उसके लिए हमने दो कलर में ऊन ले लिए हैं। देखिए मैरून कलर वाला ऊन हमारा ये थोड़ा मोटा है और वाइट वाला ऊन पतला है, इसीलिए हमने वाइट वाले को दो लर कर दिया है और मैरून वाले को सिंगल ही हम रखेंगे। और हमने फंदे इसके लिए 15 फंदे डाले हैं। तो देखिए अभी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमने नॉर्मल ही रखे हैं। इसको देखिए आपको एक बार डाल के दिखा देते हैं। आप किसी भी कलर से बना सकते हैं। 14 देखिए 15 फंदे हमारे तैयार हो गए। 15 फंदे हम डाल लिए। आप वाइट से भी इसको बना सकते हैं शुरू करके, या मैरून से भी बना सकते हैं, पर हमने वाइट से नहीं मैरून से शुरू किया है। अब आइए देखते हैं। पहले इसको हम सीधा एक ले लेंगे, इसके बाद हम पूरी सिलाई उल्टी ही बना लेंगे इसको। देखिए उल्टा ही शुरू करते जा रहे हैं इसको बनाते हुए हम। यहाँ तक देखिए इसको हम उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं कैसे बनाना है हमें। देखिए ये लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस साइड से आएंगे। इधर से भी हमें उल्टा ही बनाना है। एक सिलाई और अब हम ये उल्टा इसको पूरा कर लेंगे। यहाँ तक देखिए उल्टा बना लेते हैं, फिर आगे हम आपको बता रहे हैं। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, शुरू से लास्ट तक हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए इसको यहाँ तक हम बना लेते हैं। यहाँ तक बना के दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए ये सिलाई पूरी हो गई है। अब फिर तीसरी सिलाई बना रहे हैं, इसमें भी हम इसको सीधा ही ले लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ जब जाएंगे तो हर सिलाई में दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे। चलिए इधर जब आएंगे तो हम आपको दिखा देंगे। देखिए एक फंदे और बना करके हम दोबारा से ऐसे ही लौट जाएंगे। इधर लौट करके फिर देखिए इस सिलाई को हम पूरा कर लेंगे। ऐसे ही हर फंदे में हमें दो सिलाई कम करते जाना है। चलिए हम पूरा करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से अब हम हमारा दो दो करते करते देखिए यहाँ पर हम आ गए। अब यहाँ से फिर से हम वापस हो जाएंगे। अब खाली यही दो फंदा हमें बुनाई करना है, इसके बाद ये हमारा फंदा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए अभी इस फंदा को हमें पूरा बना लेना है। पर वाइट से बनाना है हमें। तो ये देखिए मैरून वाले को हम ऐसे उतार लेंगे, उतार के इसको ऐसे कर लेंगे। करने के बाद हम वाइट वाला धागा इसमें लगा देंगे। ये देखिए इस धागे को हम पीछे ही रखेंगे, वाइट वाला लगा करके पूरा सिलाई हम वाइट से ही इसको बनाएंगे।
ये देखिए। चलिए हम पूरी सिलाई वाइट को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर दिखा रहे हैं आपको कैसे करना है। देखिए सिलाई हमारी ये पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी हमें इसे पूरा एक सिलाई हम इसको उल्टा ही बनाएंगे। चलिए इसको उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम दोबारा आएंगे तब इसको बढ़ाते हुए हम बनाएंगे। इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमें ये देखना है कि इधर से जैसे जैसे हमने बनाया था दो दो फंदे आते गए यहाँ पे, वैसे ही हमें यहाँ तक आना है। तो पहले हम दो फंदा ही बनाएंगे, पूरी सिलाई बुनाई नहीं करेंगे। तो ये देखिए एक फंदा दो फंदा हमने बनाया, फिर वापस हो गए। हमने लास्ट में दो फंदा, एक फंदा हमने ये किनारे के लिए रखा है, 15 फंदा हमने डाला है तो एक फंदा हमने एक्स्ट्रा रखा है। 14 फंदे की बुनाई कर रहे हैं, एक फंदा किनारे बना रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा शुरू में आपको समझा देते हैं ठीक से। फिर देखिए एक दो फंदा हम बुनाई किए थे, इस बार दो बढ़ा लेंगे ज़्यादा। देखिए 4 फंदे हो गए, फिर 4 फंदे यहीं से हम वापस हो जाएंगे। एक दो तीन चार, एक ये हमारा किनारी था। ये देखिए हमारा किनारी भी बनते जाएगा। देखिए फिर हम ऐसे ही बनाएंगे, एक दो तीन चार फंदा हमने बनाया था। देखिए पहचान आ जाता है, फिर दो फंदा है, दो फंदा हमें एक्स्ट्रा इसमें जोड़ लेना है। वैसे फ्रेंड्स हर सिलाई में जब आएंगे दो दो फंदा हम एक्स्ट्रा लेते जाएंगे तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही हम ध्यान में रखते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं पूरा वाइट वाला, फिर दिखा रहे हैं आपको आगे। देखिए यहाँ पे हम हर सिलाई में दो दो फंदे बोल रहे थे, वैसे ही दो दो फंदे ऐड करते जा रहे हैं। तो देखिए हमारे फंदे हम लास्ट तक पहुँचने वाले हैं। ये देखिए देखिए फिर इस सिलाई को भी पूरा कर लेंगे और जब वापस आएंगे तो दो फंदे बचे हैं उसको भी हम ले लेंगे। फिर दिखाएंगे आपको आगे से किस तरह से हमें बनाना है इसको। ये वाला सिलाई में देखिए हमने पूरे सिलाई तक वाइट हमने ले लिया है, एक भी फंदा छोड़ा नहीं है। इस सिलाई को यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जब उल्टे में आएंगे तो हम मैरून कलर का ऊन लगा लेंगे। तो चलिए पहले इस सिलाई को उल्टा ही हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे बनाएंगे। देखिए हमारा वाइट वाला कंप्लीट हो गया है। अब हमारा मैरून लगाना है तो हम मैरून वैसे ही लगाएंगे जैसे कि हमने पहले लगाया हुआ था। देखिए पहला फंदा तो हम अभी ऐसे ही ले लेंगे। इसके बाद धीरे से इस धागे को यहाँ से हम ले लेंगे ताकि हम जब इसको बनाएं भी तो हमारा फंदा टाइट ना पड़े। अब पूरा सिलाई हम इसी मैरून से बनाएंगे और यहाँ तक बनाएंगे तो इसमें दो फंदा फिर रहेगा तो हम वापस नहीं होंगे। इस बार पूरी सिलाई ले लेते हैं, लेकर के फिर हम आगे बढ़ते हुए बनाते हुए आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा फंदा हमने वाइट ले लिया है, इसमें एक भी हमने फंदे नहीं छोड़े हैं। अब ये पूरा फंदा हम मैरून से बना देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सिलाई में आएंगे तो फिर दो दो फंदे हम छोड़ते जाएंगे जैसे कि हमने इसमें छोड़ा था। तो यहाँ से हमारा दूसरा कलर फिर से लगेगा। तो चलिए इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने मैरून वाला भी एक लाइन कंप्लीट कर लिया है। फिर से हम वाइट लगा रहे हैं जैसे कि हमने इसमें लगाया था। अब हम वाइट से शुरू करेंगे, अब पूरी सिलाई वाइट बना लेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स जैसे मैरून लगाया और वाइट लगाया ऐसे ही हम पूरा गोल इसको सर्कल तैयार करके बना लेंगे। और बना करके फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा ये कैसे बन के रेडी हो रहा है और कैसा लग रहा है।
तो आइए इसको हम बनाते हैं आगे की तरफ। लिए पूरी सिलाई इसको ऐसे ही हम यहाँ तक फंदे बंद करके फिर आपको दिखा रहे हैं बनाते हुए कि हमें कैसे करना है। देखिए लास्ट फंदे के साथ में हम इसको यहाँ से तोड़ के काट के ख़त्म कर लेते हैं। देखिए इसको हम बंद कर लिए। बंद करने के बाद इस धागे को भी हम काट लेते हैं जो मैरून वाला बचा था हमारा। देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इसकी यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं हम आपको। देखिए ये धागा बाद में हम इसको काट देंगे। इसकी देखिए सिलाई कैसे लगाएंगे हम। इसको यहाँ से यहाँ फर्श पे रख के भी कर सकते हैं, हाथ में भी लेकर के इसको अपने सुविधा के हिसाब से आप कर सकते हैं। इसको धीरे धीरे हम आराम से सिलाई कर लेंगे। देखिए पता नहीं लगेगा फ्रेंड्स कि हम किसकी सिलाई कैसे कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही आराम से हम धीरे धीरे इसकी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए चलिए इसकी सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा सिलाई भी होके तैयार है। हमने यहाँ से सिलाई किया है और देखिए ये पीछे के साइड से बस ये किनारे किनारे धागा जो हमने लिया था वही धागा है, बाकी एक्स्ट्रा में हमारा कोई भी धागा नहीं है। और अगर इसको सीधा भी करते हैं तो वो धागा हमारा दिखेगा नहीं। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ बना है ये। देखिए फ्रेंड चाहेंगे तो उसके ऊपर ऐसा आप पोम-पोम भी बना करके अपने से लगा सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। अब हमारा ये बन के डोर मैट तैयार है। हमने इसको डोर मैट भी यूज कर सकते हैं या भगवान के लिए आप छोटा सा आसन भी बना सकते हैं या जो भी अपने यूज के अनुसार आप चाहें तो उसको बना सकते हैं, नाम दे सकते हैं उसका। अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो फ्रेंड्स तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।